माणसं आहेत, एवढा मोठा खर्च प्रदीप काबरा सर, त्यानंतर ठीक आहे ठीक आहे, पार्थ आकरेकर, कोणी उपस्थित असेल आणि जर नाव चुकून आमच्याकडून राहिलं असेल तर त्यांनी आपला सिनेमा समजून कृपया स्टेजकडे यायचंय. आमचे खूप लाडके आहेत आणि त्यांना आमच्या सगळ्यांकडनं खूप खूप शुभेच्छा. आता बॉबी देओल मराठीमध्ये खूप मोठं भाषण देणार. नाही बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मराठी में आर्ट्स फिफ्थ स्टैंडर्ड में फेल हो गया था मराठी में, तो मेरी मराठी वहीं ख़त्म होगी. लेकिन बहुत मज़ा आया ये सब प्रोमोज देखकर, सब गाने देखकर. और गणेश, मेरा पिज़्ज़ा गणेश, तूने तो कमाल कर दिया यार. बहुत बड़ी लग रही है फिल्म. एंड आई कैन ओनली से दैट आई विश गणेश माय फेवरेट इज द बेस्ट इन लाइफ. एंड यू वर्क सो हार्ड एंड यू मेक इट लुक सो गुड एंड ईजी, बट आई नो यू फॉट एंड मेड अ रियली लवली फिल्म, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. I lost my rank in the 8th standard because of Marathi. समझ में आती है लेकिन ऑफकोर्स. गणेश मास्टर जी के साथ तो मैंने अपना करियर शुरू किया. मेरी मेरी मेरा पहला दिन एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वॉज विद मास्टर जी फॉर चल मेरे भाई. वो गाना था मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती. और इतने सालों बाद मतलब इतने गाने कर दिए साथ में. यही क्यूरियोसिटी थी मन में कि जब हमको इतने अच्छे गाने देते हैं सारे एक्टर को, खुद की फिल्म में कैसे गाने होंगे. एंड आई थिंक ही हैज़ सरपास्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस. बहुत ही धमाल गाने में रोहित से बोल रहा था और बार बार देखने का मन करता है. और ये फिल्म का सब्जेक्ट भी बहुत ही मतलब ट्रेलर में तो लग रहा है कि बहुत ही अलग है, बहुत ही अनकन्वेंशनल है, फिर भी बहुत ही कमर्शियल. और इसका स्केल जो मतलब नजर आता है, हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस जो हमारे पास है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं. एंड सब गानों की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि गाने अच्छे होंगे अगर गणेश आचार्य आए तो. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इमोशनल कंटेंट जो है फिल्म का वो बहुत अच्छा है. मुझे कहानी पता है, इन्होंने मुझे कहानी बताई थी फिल्म की. एंड 4 अगस्त को रिलीज हो रही है और सुपर हिट होगी होगी होगी.